राधे राधे दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी से बताने वाली हूँ। हर साल गर्मी की छुट्टियों में नितिन अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में माउंटेनियरिंग के लिए जाता था। इस साल भी वे इसी मकसद से ऋषिकेश पहुँचे। गाइड उन्हें एक फेमस माउंटेनियरिंग सॉफ्ट पर ले गया। ले नितिन और उसके दोस्तों ने सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ भी होगी। हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। एक दोस्त बोला, यार यहाँ तो शहर जैसी भीड़ है, यहाँ चढ़ाई करने से क्या मज़ा, क्या कर सकते हैं, अब आ ही गए हैं तो अफसोस करने से क्या फ़ायदा, चलो इसी का मज़ा उठाते हैं। नितिन ने जवाब दिया। सभी दोस्त पर्वतारोहण करने लगे और कुछ ही समय में पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गए। वहाँ पर पहले से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। दोस्तों ने सोचा, चलो अब इसी भीड़ में 2-4 घंटे कैंपिंग करते हैं और फिर वापस चलते हैं। तभी नितिन ने सामने की एक चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, रुको रुको जरा, उस चोटी की तरफ भी तो देखो, वहाँ तो बस मुट्ठी भर लोग ही दिख रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा होगा, क्यों ना हम वहाँ चलें। वहाँ एक दोस्त बोला, अरे वहाँ जाना सबके बस की बात नहीं, उस पहाड़ी के बारे में मैंने सुना है, वहाँ का रास्ता बड़ा मुश्किल है और कुछ लकी लोग ही वहाँ पहुँच पाते हैं। बगल में खड़े लोगों ने भी नितिन का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई अगर वहाँ जाना इतना ही आसान होता तो हम यहाँ सब झक मार रहे होते हैं। लेकिन नितिन ने किसी की बात नहीं सुनी और अकेला ही चोटी की तरफ बढ़ चला और 3 घंटे बाद वहाँ उस पहाड़ी की शिखर पर था। वहाँ पहुँचने पर पहले से मौजूद लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे एक्सचेंज किया। नितिन भी वहाँ पहुँचकर बहुत खुश था। अब वह शांति से प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकता था। जाते जाते नितिन ने बाकी लोगों से पूछा, एक बात बताइए, यहाँ पहुँचना इतना मुश्किल तो नहीं था? मेरे ख्याल से तो जो उस भीड़ भाड़ वाली चोटी तक पहुँच सकता है, वह अगर थोड़ी सी और मेहनत करे तो इस चोटी को भी छू सकता है। फिर ऐसा क्यों है, वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ है और यहाँ बस मुट्ठी भर लोग वहाँ मौजूद। एक वेटरन माउंटेनियर बोला, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस उसी में खुश हो जाते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता है। वे सोचते ही नहीं कि उनके अंदर इससे कहीं ज़्यादा पाने का पोटेंशियल है, और जो थोड़ा पाकर खुश नहीं होते, वे कुछ अधिक पाने के लिए रिस्क नहीं उठाना चाहते। वे डरते हैं कि कहीं ज़्यादा के चक्कर में जो हाथ में है वो भी ना चला जाए, जबकि हकीकत ये है कि अगली चोटी या अगली मंजिल पाने के लिए बस जरा से और एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पर साहस ना दिखा पाने के कारण अधिकतर लोग पूरी लाइफ बस भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाते हैं, और साहस दिखाने वाली उन मुट्ठी भर लोगों को लक्की बताकर खुद को तसल्ली करते रहते हैं। खुद को उस एफर्ट को करने से रोकिए मत। थोड़ा सा साहस, थोड़ी सी हिम्मत आपको भीड़ से निकालकर उन मुट्ठी भर लोगों में शामिल कर सकती है जिन्हें दुनिया लक्की कहती है। तो ये हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसे लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अच्छी ना लगी तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि हम मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और अच्छी सी कहानी मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो इसी तरह से रोचक कहानी के साथ मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, सबको राधे राधे।